ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। रक्षाबंधन के फेस्टिवल को हर कोई खूब धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। इसी बीच चिराग पासवान की एक तस्वीर सामने आई, जहां पर चिराग राखी में अलग अंदाज में नजर आए। ना सिर्फ चिराग पासवान का पहनावा अलग दिखा, बल्कि चिराग पासवान इस दौरान अपनी बहनों के साथ मस्ती करते नजर आए। ये तस्वीर देखिए, जिसमें चिराग पासवान को उनकी बहनों ने घेर रखा है। रक्षाबंधन मनाने के बाद उनकी बहनें गिफ्ट की डिमांड करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान चिराग पासवान ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार उनके लिए क्यों खास है और इस दौरान वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुनिए। भाई बहन के प्यार का ये रिश्ता है, अटूट प्यार का, अटूट विश्वास का ये रिश्ता है। देशवासियों को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरे लिए खुशियों का दिन होता है, पूरा परिवार एक साथ मिलकर हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। 3-4 पीढ़ियाँ हमारी एक साथ, हमारी फुआ हैं, पापा की तस्वीर को बांधती हैं, अब पापा के बाद हमको भी बांधती हैं। हमारी भाई बहनें सौभाग्यशाली, इतनी सारी बहनें हैं, भांजे भांजियाँ सब मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। पर हाँ, आज जहाँ एक तरफ मैं देश में देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं आज के दिन मैं चाहूँगा कि देश का हर एक युवा, हर एक लड़का इस बात का संकल्प ले कि भविष्य में जिस नज़र से वो अपनी बहनों को देखता है, उसी नज़र से वो देश की हर एक माँ बेटी बहन को देखे, ताकि निर्भया जैसी घटनाएं जो आपको विचलित करती हैं, 21वीं सदी में सभ्य समाज में कहीं ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता। ऐसे में सामाजिक स्तर पर भी अगर हर युवा, हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी को ले, तो मुझे लगता है भविष्य में कभी ऐसी घटनाओं को दोहराया नहीं जाएगा। आज लड़की बहुत असुरक्षित अपने आप को देख रही है, आप मंत्री होने के नाते क्या करेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग राजनीति के स्तर पर नीतियों को, कानून को मजबूत कराकर हम लोग शासन प्रशासन के स्तर पर हम लोग कदम उठा रहे हैं। पर जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस बात को कहा, आज की तारीख में सामाजिक सुधार की भी ज़रूरत है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जो लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, वो हम ही लोगों के बीच के व्यक्ति हैं। उस सोच को बदलने की ज़रूरत है, उस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, और इसीलिए एक सामूहिक संकल्प आज के दिन हम लोग को लेने की ज़रूरत है। क्या अगले साल पत्नी के साथ राखी मनाएंगे? अरे प्रभु, अगला साल आप जान रहे हैं कितना महत्वपूर्ण साल है। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो पूरा ध्यान उसी पर ही केंद्रित रहेगा। चिराग पासवान ने बताया कि उनकी बुआ हर साल उनके पिता को, यानी कि रामविलास पासवान को राखी बांधती थी, और इस बार जब रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी बुआ पहले उनके तस्वीर पर राखी बांधती है और उसके बाद खुद चिराग पासवान को भी राखी बांधी। इसके साथ ही चिराग पासवान की तमाम बहनें एक साथ मिलकर रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट करती नजर आई। चिराग पासवान के पूरे फैमिली में, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बच्चे, सब एक साथ नजर आए। और इस दौरान देखिए, चिराग पासवान भी मस्ती भरे अंदाज में दिख रहे हैं। चिराग पासवान की ये राखी काफी खास है, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी वो अपने बहनों के पास पहुंचे हैं और जहां पर रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।